किसी का पार्ट आज से देवों में से किसी का खोला है, बाबा ने नाम लिया है। तो यही कह रहे कि चेक किया, हम कैसे चेक करेंगे किसका पार्ट आज में होगा? बाप को पहचाना? कैसे पहचाना? नाम बताया क्या? बाप का नाम बताया है? नाम रूप धाम गुण कर्तव्य मुरली ने इशारा दिया है देवताओं को, या डायरेक्ट बैठ करके नाम रूप गुण कर्तव्य बताया है? इशारा दिया। ऐसे हर एक आत्मा का इशारा वेद वाणी में भरा हुआ है। मनन चिंतन मंथन के द्वारा एक एक आत्मा का डिटेल निकाला जा सकता है। अगर एक का निकल सकता है तो एक से कनेक्टेड 84 जन्म की जो आत्मा होगी उसका नहीं निकल सकता है। निकल सकता है कि नहीं? निकल सकता है। फिर जब दो का निकल सकता है तो दो से कनेक्टेड और जो बच्चे हैं, जो विशेष रूप से 84 जन्मों में कनेक्टेड है, उनका नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। तो ऐसे करते 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 हरेक परिवार का, हरेक ग्रुप का, हरेक वंश का पूरा सिजरा निकाला जा सकता है और निकलेगा। बाकी बाप दादा एक एक का नाम या रूप बोर्ड पर खींच कर नहीं बता देंगे। स्वतः ही हर बच्चे की बुद्धि में अक्ष होता जाएगा। एक और निशानी बताई, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। क्या नारायण भी उतर आए, भगवान भी उतर आए, ब्रह्मा भी उतर आए, तो ब्रह्मा की, नारायण की, भगवान की बात नहीं मानेगा? किसकी मानेगा? उसी की बात मानेगा जिस धर्म का होगा। तो पाठ साबित नहीं होगा, प्रजा वर्ग वालों का भी पाठ साबित हो जाएगा। प्रजावर्ग की ये खासियत होगी कि अपने राजा के प्रति पूरा समर्पणमय बुद्धि होंगे। औरों की बात, कोई कितना भी बड़ा राजा हो, दुनिया का सम्राट ही क्यों हो, उसकी बात नहीं मानेंगे। और देखने में भी आ रहा है, आप कितना भी सच्चाई से सच्चा ज्ञान सुनाओ, वो कहेंगे भी आपका ज्ञान सच्चा है, पक्का है, लेकिन हम अभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? कहेंगे जब तक जगदीश भाई नहीं मानेंगे तब तक नहीं, जब तक कुमार का दादी नहीं मानेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। इससे क्या साबित होता है? जब बाप बैठ बता देंगे, नहीं साबित हो रहा है कि उस धर्म के प्रजा है।